मधुबनी के बेनीपट्टी में हुए पत्रकार से आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा की मेडिकल माफियाओं द्वारा अपहरण के बाद हत्या के खिलाफ बुधवार को अविनाश को मुखाग्नि देने वाले उनके बड़े भाई त्रिलोक झा उतरी पहनकर बेनीपट्टी के सड़क पर उतर गए। आपको हम बताते चले कि त्रिलोक झा के अचानक सड़क पर उतरने के बाद इलाके के लोग उमड़ पड़े, भीड़ उमड़ पड़ी इलाके की, बेनीपट्टी के तमाम चौक चौराहे को लेकर जाम कर दिया लोगों ने। दरअसल अविनाश की हत्या के प्रतिकार मार्च के दौरान धरना प्रदर्शन के बाद 72 घंटे के अंदर सभी संलिप्त अपराधियों नामजदों की गिरफ्तारी की मांग सहित कुल 7 मांग की गई थी, लेकिन 72 घंटे पूरे होने के बाद भी मांगों पर अमल नहीं होने के कारण लोगों का आक्रोश उबल पड़ा। इस दौरान करीब 1 घंटे तमाम सड़कों को बंद होने के बाद उतरी पहनकर त्रिलोक झा उतरी पहन हुजूम के साथ बेनीपट्टी थाना के गेट पर धरने पर बैठ गए, जिसके कारण थाने के सामने काफी भीड़ जुट गई। 4 घंटे तक थाने के सामने सैकड़ों लोगों ने जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस अधिकारी ने बढ़ते दबाव को देखते हुए त्रिलोक झा सहित एकत्रित भीड़ को भरोसा दिलाया कि मामले में संलिप्त तमाम लोग जल्द गिरफ्तार होंगे। सुनिए ना, वचन देता हूँ, कोई भी माफिया अगर उसमें जो भी संलिप्त होगा नहीं बचेगा। चलिए ये कह रहा हूँ, लेकिन लेकिन हम सूरज का शपथ खाते खाते हैं, बाधा नहीं, आप लोग का सहयोग होना चाहिए, जो सहयोग किए। सुनिए, सहयोग किए, आपको हम बताते चले कि 9 नवंबर को अविनाश अपने घर के पास रात 10 बजे करीब से निकला था, जिसकी अंतिम बार उसी रात 10-10 बजे करीब देखा गया था। इसके बाद से वह गायब था, जिसके अगले दिन 12 तारीख की शाम बेनीपट्टी थाना में करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर अविनाश का शव बरामद हुआ। रात में टोटल हॉस्पिटल को सील करके सबको गिरफ्तार कर लिया, रात के समय ले गया, तय सब उठा देते हैं तो आइए नहीं करना फिर कल को देवल अगर अपने आज चला कहला क्या हम भाई रात में तो सबके गिरफ्तार कर।